दोस्तों सेमीफाइनल में करारी हार के बाद बीच मैदान विराट कोहली से इतरने लगी पूरी आरसीबी की टीम। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी सब कुछ बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी आरसीबी टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज आईपीएल 2022 का सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। यह मुकाबला आरसीबी और राजस्थान रॉयल के बीच खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। और ऐसे में आज के मुकाबले में आरसीबी टीम से सबसे ज्यादा रन रजत पाटीदार ने बनाए। रजत पाटीदार ने 42 गेंदों में 58 रनों की शानदार पारी खेली, तो वहीं आरसीबी की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाए। वहीं राजस्थान की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। और ऐसे में दोस्तों राजस्थान रॉयल की टीम से सबसे ज्यादा रन जॉस बटलर ने बनाए। जॉस बटलर ने 60 गेंदों में 106 रनों की नाबाद पारी खेली, तो वहीं ऐसे में राजस्थान की टीम यह मुकाबला जीत गई और आरसीबी की टीम को 7 विकेट से यह मुकाबला हरा दिया। वहीं दोस्तों आरसीबी की टीम के हारते ही आरसीबी की टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली बीच मैदान रोने लगे और वहीं विराट की पूरी स्टेडियम में आवाज गूंजने लगी। और वहीं विराट को रोते हुए देख आरसीबी के साथ ही पूरी टीम भी रोने लगी। और ऐसे में वहीं स्टेडियम में बैठे आरसीबी के फैंस भी विराट कोहली और आरसीबी टीम को देख भावुक हो गए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दें कि आरसीबी की टीम ने अब तक आईपीएल का एक भी बार खिताब नहीं जीता है। वहीं आरसीबी की टीम पिछले साल भी फाइनल तक पहुंची, लेकिन फिर भी आरसीबी की ट्रॉफी अपने हाथ में नहीं ले पाई। और ऐसे में आईपीएल 2022 के सेमीफाइनल में पहुंची, लेकिन इस बार भी फाइनल तक नहीं पहुंच पाई। और ऐसे में वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अब राजस्थान को अपना अगला मुकाबला गुजरात के साथ खेलना है। यह मुकाबला 29 मई को अहमदाबाद के श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है आज के मुकाबले के बारे में, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।